सेना की भर्ती को लेकर यूथ इंतजार कर रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या आश्वासन? देखिए, इसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया और मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से भी बात की। जैसे ही कोविड का थोड़ा सा हल्कापन आया था, मैंने कहा जी कोविड की वजह से मैंने जो मेन चीज़ थी, मेरे पास तीन चार लोग आए अपने भादेगढ़ हल्के से, दो तो भादेगढ़ हल्के थे, कोसली हल्के से थे, बोले जी हमारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया था और वो डेट, मतलब डेट भी आ गई थी लेकिन सिस्टम नहीं बना। मतलब अब आप, वो बोले जी हम तो, हमारे बच्चे तो ओवर एज हो गए क्योंकि लास्ट स्टेज पर थे एज के हिसाब से। तो मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कहा जी मैं उसका सिस्टम बनाओ, उनको तो जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे एटलीस्ट उनको तो कंसिडर किया जाए। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं। दूसरा, जो ओवरेज जो है इस कोरोना की महामारी की वजह से जो ओवरेज हो गए हैं फौज की भर्ती में, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब मैंने स्टेट मिनिस्टर मुझे मिले उस दिन, मैंने बात की, उनका भी पॉजिटिव था, वो बातचीत चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे।